Assalamu alaikum everyone. Day 16, unit 7, chapter name is going to school. In this video, we are going to discuss sentence structure of present tense. What is the meaning of present tense? Present tense means अभी की जो बात हो रही, यानी आज का ज़माना, जो हम अभी कोई काम कर रहे हों और हमें किसी को बताना हो कि मैं अभी ये कर रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं. अच्छा, ये क्या हो गया? प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स हाजिर, हाजिर जमाने की बात. अगर बात होगी पिछले जमाने की, पास्ट की, तो उसका सेंटेंस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा. सबसे पहले आपने ये सीखना होगा कि आप प्रेजेंट का सेंटेंस किस तरह बनाएंगे. तो प्रेजेंट के सेंटेंस में सबसे पहले आप जो है वो सब्जेक्ट लिखते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो काम कर रहा होता है, डूअर. ठीक है, डूअर मीन्स जो काम कर रहा होता है, कोई भी काम. जैसे मैं हूं, मैं जो है वो लिख रही हूं अभी ना, तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, यानी कि आई. तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या हो गया? यू. यू का मतलब होता है तुम. तुम पढ़ रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम जा रहे हो, तो जो भी काम कर रहे हो अभी कर रहे हो, अभी इसी वक्त कर रहे हो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने लिखा था या मैं गई थी, मैं कह रही हूँ मैं अभी काम कर रही हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं. आपके पास आई होता है, मैं, यू, तुम, यानी मैं काम कर रही हूँ, तुम काम कर रहे हो, या मैं सेब खाती हूँ, या तुम क्रिकेट खेलते हो. ठीक है, वी, हम, दे, वो लोग. ठीक है, शी, वो लड़की, ही, वो लड़का, और इट हम लगाते हैं किसी भी नॉन लिविंग ऐसी चीज़ों के लिए जो जिनमें जान नहीं होती, जैसे डोर हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, या फिर एनिमल्स जैसे कैट, मंकी, इटीसी. ठीक है, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं. तो सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आई एम रीडिंग. मैं रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग जो है वो एक्शन है एक. मैं चल रही हूँ, मैं खाती हूँ या मैं पीती हूँ, पीना, खाना, जाना, आना, ये सारे एक्शंस हैं. तो सबसे पहले तो डूअर आएगा कि कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, वो काम आएगा. जैसे कि आई प्ले, मैं खेलती हूँ. आई, यू, ईट, तुम खाते हो. वी स्लीप, हम सोते हैं. दे गो, वो जाते हैं. शी कुक्स, वो पकाती है. ही प्लेस, वो खेलता है. इट ड्रिंक्स, वो जो भी है वो पीती है. ठीक है, जब भी ही, शी या इट की बात होगी, सिर्फ इन तीनों की, तो एक्शन वर्ब जो होगा उसके आगे मैं एस लगाऊंगी. बाकी देखिए, मैंने इन में किसी में भी एस नहीं लगाया. देखिए, प्लेस नहीं लिखा मैंने, प्ले लिखा. ईट्स नहीं लिखा, ईट लिखा. लेकिन अगर शी, ही या इट प्रोनाउन होगा तो वर्ब के लास्ट में मैंने एस का ऐड कर दिया है, एस को, या फिर कोई नेम होगा जैसे कि आयशा. अब आयशा में भी अगर मुझे लगाना है ईट, तो देखें यहाँ पे ईट में मैंने यू था, तो यू के बाद मैंने ऐसे ही लगाया. लेकिन आयशा है, यहाँ पे कोई नाम है, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो मैं एक्शन के बाद एस जरूर लगाऊंगी. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्शन वर्ड्स. सब्जेक्ट आएगा, एक्शन वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, खेलती हूँ. कहाँ खेलती हूँ? अब मुझे ये बताना है, तो ये चीज़ मैं ऑब्जेक्ट में लिखूंगी. आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलती हूँ. तो पार्क जो हो गया वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया पार्क के. जो भी एक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? पार्क में हो रहा है. यू ईट एप्पल, तुम क्या खाते हो? एप्पल खाते हो. तो एप्पल जो है वो भी ऑब्जेक्ट है कि जो तुम खा रहे हो. क्या खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो. तो एप्पल जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया. वी स्लीप ऑन द बेड, अब बेड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया कि जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सो कहा रहे हैं हम, बेड पे सो रहे हैं. दे गो टू द मार्केट, वो लोग जो है वो मार्केट जाते हैं. कहाँ जाते हैं वो लोग? मार्केट जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्कूल भी हो सकता है, यहाँ पे मॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं. उसके बाद शी कुक्स बिरयानी, कि वो जो है वो बिरयानी पका रही है. क्या पका रही है? बिरयानी पका रही है. बिरयानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ही प्लेज क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं वो? क्रिकेट खेलते हैं. ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. अब यहाँ पे फुटबॉल भी हो सकता था. ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. इट ड्रिंक्स
मिल्क, बिल्ली है या जो भी है उसके लिए मैंने इट लगाया है, वो क्या पीती है? मिल्क, दूध पीती है। क्या कर रही है? वो पी रही है। क्या पी रही है? दूध पी रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मिल्क हो गया। आयशा ईट्स नूडल्स, आयशा जो है वो नूडल्स खा रही है। आयशा कुछ भी खा सकती है और ऑब्जेक्ट को मैं चेंज भी कर सकती हूँ। आयशा ईट्स नूडल्स। तो इस तरीके से देखिए हमने सेंटेंस बनाए। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, एक्शन प्ले, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लगा दें। आई प्ले इन द पार्क, यू ईट एप्पल, वी स्लीप ऑन द बेड, दे गो टू द मार्केट, शी कुक्स बिरयानी, ही प्लेज क्रिकेट, इट ड्रिंक्स मिल्क एंड आयशा ईट्स नूडल्स। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रेजेंट का टेंस बनाना है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट का, यानी वो काम जो आप रोजाना करते हैं और जो आपकी हैबिट है। जैसे मैं खेलता हूँ, अब मैं रोज भी खेल सकता हूँ और मेरी हैबिट भी है। ठीक है, अब आपको मैंने डे 16 में 3 सेंटेंसेस करने के लिए दिए हैं। फर्स्ट आपका है फ्लावर, सेकेंड है क्लासरूम और थर्ड है डॉग। ठीक है, तो मैं कॉपी में आपको बता देती हूँ कि ये काम आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंडेक्स बना देंगे सेक्शन ए में, और यहाँ पे जहाँ हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस जो है वो आपने खुद बनाने हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट हो उसके अंदर, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। एक सेंटेंस में आपको बना के दिखा देती हूँ, जैसे मैं क्लासरूम का आपको बना के दिखा देती हूँ। बाकी जो दो हैं वो आपने खुद बनाने होंगे। क्लासरूम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई, ये वो चीज़ है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। जैसे वी यानी कि हम, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया ये? यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। वी स्टडी, study, स्टडी मतलब पढ़ना। तो ये हो गया हमारा एक्शन या फिर वर्ब, सही है। उसके बाद वी स्टडी कहाँ पढ़ रहे हैं हम? क्लासरूम में। तो इन द क्लास रूम, तो ये एक हमारा सेंटेंस हो गया क्लासरूम का। क्लासरूम एक ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। आप ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एक्शन है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड आपके पास वर्ड है फ्लावर, तो फ्लावर जो है वो आपने खुद बनाना है। फ्लावर का, फ्लावर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई ग्रो फ्लावर्स इन द पार्क, या कुछ भी इस तरह का बनाने। और थर्ड वन आपने खुद बनाना होगा, सही है। तो ये आपका काम आपने कॉपी में करना है सेक्शन ए में। ये जो पेपर पे मैंने समझाया था, ये वाला काम आपने नहीं करना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको। काम आपने वो करना है जो आपको होमवर्क में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपने जो है वो यहाँ पे सेंटेंस बनाने होंगे। ओके, जज़ाकअल्लाह।